इतना अच्छा हमको अनुभव रहता है, जैसे लग रहा था कि भोले बाबा बाल रूप में विराजमान हो गए हैं। 31 साल के बाद ये हम लोग को खुशी नसीब हुई और हम लोग जीते हैं। ये हम लोग का दरवाजा है सीढ़ी चढ़ने के लिए। जैसे अयोध्या में खुशी खुशी लोग अपना दूसरे जगह चले गए, उसी तरह काशी में भाईचारा निभाते हुए इसको भी ज्ञानवापी को हमको दे दें और अन्यथा जाके मस्जिद बना लें कहीं। व्यास जी के जो तखाना पहले बोला जाता है उसमें आज पूजा का दूसरा दिन है, क्या जी कहेंगे? लगातार उसमें अखंड रामायण का पाठ हो रहा है और 5 वक्त का टाइम भी अब डिसाइड हो गया आरती का। आज दूसरा दिन है पूजा का। कल तो हम गए थे वहां पे देखने गए थे, जो ज्ञानवापी तलगिरी में इतना हमको अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा हमको अनुभव रहता है, जैसे लग रहा था कि भोले बाबा बाल रूप में विराजमान हो गए हैं। एक अलग सी अनुभूति हमको हो रही है। हमको बहुत खुशी है कि लगातार बाबा का पूजा इसी तरह होना चाहिए, जैसे काशी विश्वनाथ में पांच पांच समय की आरती हो रही है, उसी तरह इसमें भी होना चाहिए। उसमें भी आरती चालू है, 5 समय की आरती निर्धारित कर दी गई है। जैसे मंगला आरती, भोग आरती होती है, उसी तरह इसमें भी आरती अब डिसाइड हो गया, वो लगातार चल रहा है। और राम जी का पाठ भी सुनाया जा रहा है भोले बाबा को। हाँ, रामचरितमानस का कल पाठ भी हो रहा था। उनके बगल में दो ब्राह्मण बैठे थे, एक रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, एक लोग जप कर रहे थे। दो लोग बैठे थे, बाएं दाएं दो लोग बैठे थे। 8 प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है उसमें। गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, क्या कहेंगे? किस तरीके से अब क्या लग रहा है कि इतने साल से जो बंद था वो अब शुरू हो गया? देखिए, 31 साल के बाद ये हम लोग को खुशी नसीब हुई और हम लोग जीते हैं। ये हम लोग का दरवाजा है सीढ़ी चढ़ने के लिए, और ये जरूरी था खुलने के लिए। हम लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हैं कि जो हम लोग सर्वे में 92 दिन जाते थे उस तलगिरी को देखते थे तो अजीब सा महसूस होता था, लेकिन कल जाने के बाद जैसे लग रहा था कि हम कहाँ पे आ गए हैं। इतना मनमोहक छवि लग रही थी उस तलगिरी की कि पूछिए मत। आज दूसरा, काशी विद्वत परिषद ने व्यास जी के तखाने का नाम चेंज करके व्यास ज्ञानवापी तलगिरी रख दिया, क्या कहेंगे इसको? बहुत अच्छा हुआ है, तहखाना शब्द अच्छा नहीं लग रहा था, तलगिरी अच्छा लग रहा था। हमको बहुत खुशी हुई कि उसका नाम चेंज हो गया है। अब तलगिरी में नीचे पूजा चल रही है और ऊपर नमाजी और तथाकथित जो मॉस्क्यू बनाया गया है मस्जिद, उसके लिए क्या कहेंगी अब आगे किस तरीके से? हम तो कह रहे हैं कि उन लोग को नमाज भी पढ़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर मतलब हो गया है तो उन लोग को नमाज तो सब पूरा बेकार हो गया। जब उसमें पढ़ेंगे ना, सुनते हैं कि लोग मंदिर में नमाज पढ़ते तो उनका नमाज उनके खुदा को नहीं मिलता है। तो हम तो सोच रहे कि जैसे अयोध्या में खुशी खुशी लोग अपना दूसरे जगह चले गए, उसी तरह काशी में भाईचारा निभाते हुए इसको भी ज्ञानवापी को हमको दे दें और अन्यथा जाके मस्जिद बना लें कहीं।